फिर किसी पैनल के साथ में मिश्रा जी जैसे इकोनॉमिस्ट के सामने फेस करना मुझे लग रहा है इनके बस की बात नहीं है। फिर किसी पैनल के साथ में मिश्रा जी जैसे इकोनॉमिस्ट के सामने फेस करना मुझे लग रहा है इनके बस की बात नहीं है। मुद्दे की बात का आज का सबसे पहला सवाल यही होगा। सवाल ये भी पूछेंगे कि नोटबंदी से बड़ी बेरोजगारी के सच को छिपाने की कई कोशिश तो नहीं हो रही। नोएडा से हमारे साथ एके मिश्रा जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, साथ ही साथ उनसे भी हम चर्चा शुरू करना चाहते थे, लेकिन पहले मसला अर्थशास्त्र का है तो अर्थशास्त्र के नजरिए से समझते हैं। एके मिश्रा, शुरुआत आप ही से करेंगे, हम आंकड़े छुपा रही है क्या सरकार? तिलक चावला जी, देखिए एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं, पूरे दुनिया भर में सरकारें जो होती हैं वो डाटा के साथ छेड़छाड़ करना या डाटा ले करके उसको रख लेना, एक टाइम पे उसको उजागर करना या नहीं करना, ये सरकार का विशेषाधिकार होता है। चलिए मैं इस चीज़ को बाई कर लेता हूँ, मैं ओ कर लेता हूँ कि जिन दो अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है मैं उनकी बात को सही मान लेता हूँ। मैं उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो उसी विभाग में काम करते थे, आप इस्तीफा दे के आ गए तो पहले इनके रेजिग्नेशन की कॉपी को देखा जाए कि उन्होंने आधार क्या बताया है कि पर्सनल रीजन के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं, या ये आरोप उन्होंने इस्तीफा के अपने पेपर पे भी लगाया है। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है तो इनको यही लिख के इस्तीफा देना चाहिए था कि सरकार के इस कार्रवाई के कारण मैं खिन्न हूं, ये चीज गलत हो रहा है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दूसरी चीज मैं इन लोगों से ये पूछना चाहूंगा, आप लोग इतने बड़े बड़े पदों पर इस विभाग पे रहे तो डेफिनेटली वो सारे डाटा आपके पास होंगे, जानकारी आपके पास होगी। अगर सरकार डाटा छुपा रही है, मैं मानता हूं बीजेपी डाटा छुपा रही है, मैंने इसको मान लिया, तो आप बताइए ना सही डाटा क्या है। आपने केवल आरोप लगा करके एक जो है आपने पूरे जनता के बीच में एक चीज एक शगुफा छोड़ दिया और पूरे जनता के बीच में खलबली मची हुई है। तो जरा इनसे पूछिए ना सही डाटा क्या है, क्या बीजेपी ने छुपाया या किसी गवर्नमेंट ने क्या छुपाया, और ये विभाग में तो ये बताएं। अगर बीजेपी छुपा रही है कि जी जीडीपी ग्रोथ जो है 7.5% या 7% नहीं है, इनको लगता है कि हमारे पास डाटा है वो 5% का था, तो ये उसको क्लियर करें ना। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई है कि इन लोगों ने अभी इस्तीफा क्यों दिया, डाटा छुपाने के लिए अगर इनको उस चीज से कोई दिक्कत है तो बहुत सारे इंटरनल डिपार्टमेंट में ऐसे तरीके होते हैं, ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि आप वहां पे उस चीज को कर सकते हो। डाटा करेक्ट करने के लिए सरकार के ऊपर आप दबाव बना सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हो, तो कहीं इस एंगल से भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक चुनावी सगुफा हो या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हो, सारी चीजें ये हो। और दो लोगों ने इस्तीफा दिया है, अगर डाटा गलत होता तो इनके अगल बगल, इनके पैरेलल, इनसे ऊपर, इनसे नीचे भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको जांच करवाना चाहिए और बीजेपी को निष्पक्ष होकर जांच करवाना चाहिए। उसका रीजन है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इनकी पॉलिसी है, ट्रांसपेरेंसी का, तो सरकार को ही ये करवाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए ताकि सच क्या है ये पता चल जाए, आरोप लगाए जा रहे हैं या आरोप लगवाए जा रहे हैं। ये भी एक बात अकरम कादरी, पी चिदम्बरम कह रहे हैं एनएससी जो है उसकी आत्मा को शांति मिले, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? देखिए, इस सरकार का जो काम करने का तरीका है, एक अधिकारी ने गुजरात में आवाज़ उठाई थी, संजीव भट्ट जिसका नाम है, मामूली से केस में फंसा के जेल में डाल दिया गया है, जमानत तक उसकी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाहर आकर ये साबित करा है कि ये सरकार जो है तमाम संस्थाओं को तबाह बर्बाद कर रही है। और सीबीआई के अंदर क्या हुआ है, जिस आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करा है उस तक को काम नहीं करने दिया, हालांकि उसको इस्तीफा देना हुआ। आरबीआई गवर्नर का क्या हाल हुआ, अभी सीएजी के अंदर भी यही चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि 4 लाख करोड़ रुपए का तो कोई हिसाब ही नहीं है सरकार का, कहाँ गया वो पैसा, हो सकता है कि वहाँ भी कोई गाज गिरे। कहावत है पानी के अंदर मगर से बैर नहीं किया जाता है, किस तरीके से ये अधिकारियों ने इतनी हिम्मत कर ली, इस्तीफा दे दिया, मैं तो इनकी नैतिकता को सलाम करता हूँ, वरना कौन इतनी जरूरत करेगा, पता लगेगा एनकाउंटर तक में न मरवा दिया जाए, ये हालात चल रहे हैं देश के। संजीव भट्ट का हाल हमारे सामने है, कितने अधिकारी एनकाउंटर में मारे गए, अभी एक अधिकारी को जो मारने की वजह जो मारने वालों ने कही है वो ये कही है कि ये अखलाक के मर्डर केस में उस गोश्त को, बिल्कुल हकीकत है, एक अधिकारी को मारा गया थाने से निकाल के, आप देख ही नहीं की सरकार में मारा गया है थाने से, और बेरोजगारी है और बिल्कुल नहीं, आपने कहा ना कितने अधिकारी मारे गए, तो उसको मारने की वजह ये है क्या, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में गोश्त नहीं बदला उसने, उसने मीट और मटन नहीं बदला, बाद में चलाइएगा, मैं अपना एजेंडा नहीं, अधिकारियों पर जो बीत रही है वो बता रहा हूँ, एजेंडा क्या है सब समझ रहे हैं।
मेरे को आप सीधा ये बताइए, आपने कहा ना कितने अधिकारी मारे गए, मैंने बताया बेरोजगारी पे चर्चा कर ले, मेरे पास पैनल में और बेरोजगारी का हाल तो ये है कि 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा कराता, 6 करोड़ से ज्यादा रोजगार जा चुके हैं। और कितनी संस्थाएं, वो संस्थाएं जो कभी घाटे में नहीं थी, वो ONGC जो भारत के 9 रत्नों में से एक है, वो बिकने के और कंगाली के तबाह उस पे आ गई है। उससे 35,000 करोड़ रुपया उसका किसी और कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। इसलिए आप कह रहे हैं डेटा छुपाया जा रहा है। डेटा तो छुपाने के साथ साथ और भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, आपने अपनी बात को रखा। चांद हसन साहब, इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से जो कांग्रेस कह रही है, पर्दे के पीछे सहयोगी तो हैं आपके। चावला जी, मैं राहत इंदौरी जी का एक शेर है कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखे, आप तो अपनी तकरीर जारी रखे, बात मन की करे या वतन की करे, झूठ बोले तो आवाज भारी रखे। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो देश की सरकार है, ये झूठी सरकार है, इनके आंकड़े झूठे हैं, इनकी बातें झूठी हैं, इनके वादे झूठे हैं, इन सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को सरकार में बने रहने का नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए, और सरकार में बने रहने का अधिकार ये सरकार खो चुकी है। जहां तक बेरोजगारी की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी ये सब, सर मैं बीच में रोकता नहीं हूँ, लेकिन एक उदाहरण तो दीजिए जिसने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया हो। जी चाची सरकार है सर, कहाँ कहाँ इस्तीफा दिलवाएंगे नैतिकता के आधार पर, और किन किन सरकारों से, और पुरानी सरकारों का इतिहास भूल गए क्या? ये तो कहते हैं चावला जी हाँ ठीक है चावला जी, तो ये तो कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, मेरी पार्टी तो अलग है, हमारी पार्टी का चाल चरित्र तो चेहरा अलग है। इनका चाल चरित्र तो चेहरा उत्तर प्रदेश में नजर आता है, जब दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह खाली हो जाएगी सर, नैतिकता के आधार पे इस्तीफा आप मांगेंगे तो संसद खाली हो जाएगी। पार्टी, मुझे लगा था कि आप कम से कम बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आप लोग भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। चावला जी जब राजनीतिक मुद्दे पे या आप बेरोजगारी के मुद्दे पे आप किसी राजनीतिक दल को बैठाएंगे तो चर्चा देश की सरकार पे भी होगी और आरोप भी लगेंगे। सर, आंकड़ों के आधार पर चर्चा करने तो बेहतर नहीं होगा, ताकि आकलन हो जाए। उसने 2000 आकलन हो जाए तो बेहतर है ना सर। नहीं चावला जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ चावला जी ये देश की सरकार है, जब इसने नोटबंदी की और उसके बाद GST लागू की तो 1 करोड़ 65 लगभग 1 करोड़ 65 लाख लोगों के रोजगार चले गए। ये सरकार आई थी, इसने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार तो कहीं नहीं मिले। लेकिन किसके आंकड़े हैं सर, ये आंकड़े बता दीजिए। सरकारी सेक्टर की तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां थी वो चले गए। हसन साहब, ये आंकड़े कहां के बताइए, फिर मैं रमेश ठाकुर जी के पास जा रहा हूं, जो आपने आंकड़े जारी किए अभी। चावला जी ये सरकार के ही आंकड़े हैं, ये सरकार के ही आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े जारी करती है, सरकार के ही आंकड़े हैं। सर जो आंकड़े जारी नहीं हुए उसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, उसी पर चर्चा हो रही है सर। ये आ रहा हूँ हसन साहब आपके पास भी। नहीं सरकार के आंकड़े सर, चावला जी हर साल जारी करती है या नहीं जारी करती है? सर इस साल नहीं जारी की है। GST के आंकड़ों को लेकर भी कंफ्यूजन है, नोटबंदी के आंकड़ों को लेकर भी कंफ्यूजन है, बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर भी कंफ्यूजन है, CBI को लेकर भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो लगता है कि आप लोगों ने क्रिएट कर रखी है सर। चावला जी कंफ्यूजन तो इस पे भी है कि नोटबंदी के बाद कितने नोट वापस आए और कितने नोट जारी हुए। सरकार कम से कम इतना ही बता दे कि हमारे पास कितने नोट वापस आए। बीजेपी वाले आगे जुड़े हैं, पूछ लीजिएगा ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर। सरकार इसी के लिए चर्चा रखी है, आप पूछेगा बीजेपी वाले आएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर। और उनके बारे में भी जिक्र करिएगा जिन्होंने नोटबंदी का विरोध किया था और जिनको नोट बदलने में दिक्कत हुई थी और जिनके ऊपर आरोप भी लगे। ठीक है सर, एक सेकंड। रमेश ठाकुर जी आ गए चावला जी आ गए। सर कोई नहीं, आपको भी बेसब्री से इंतजार है, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, जैसे ही विंडो कटेगी मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। रमेश ठाकुर जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा सर, ये कैसे साबित किया जाए कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, और टाइमिंग को लेकर जिस तरह की AK मिश्रा बात कर रहे हैं कि भैया आप तो अर्थशास्त्र के हिसाब से समझिए तो आपके पास तो बहुत सारे लूपहोल है। नहीं नहीं, मिश्रा जी ने जो अपने पहले सेगमेंट में कहा बहुत अच्छी बात कही है। आप अगर इस्तीफा देते हो, सरकार से बाहर जाते हो, सरकार के खिलाफ बोलते हो, वो बोलने के लिए आपके पास तथ्यात्मक चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए।
अब जिस तरीके से आप दो लोगों ने इस्तीफा दिया है उसका आधार क्या है, रेजिग्नेशन आपने लिखा है उसमें क्या लिखा गया, ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। वही चीजें क्लियर आधार पे दे रहा हूं इस्तीफा, हां वो क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन अब दूसरा पहलू पॉलिटिकल गेम है, अगर ये चीज वो राइटिंग में नहीं दे सकते। अब दूसरा पहलू एक ये है, ये पौने चार साल में जो सरकार ने अपना समय बिताया है, ये सरकारी सदस्यों का, सरकारी बड़े औहदों पे बैठे हुए लोगों का बाहर जाना, ये जो लिस्ट है, ये जो फहरिस्त है बहुत लंबी हो गई है। आरबीआई गवर्नर के बाद से स्थिति ये उत्पन्न हुई है, जब उनका इस्तीफा होता है बाहर जाते हैं, एक मीडिया रिपोर्ट बनती है कि उन्होंने सरकार से खुन्नस आके खाके और सरकार से खुश ना होके उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। उस समय जो मीडिया ने बहुत जल्दबाजी दिखाया इस तरह की बात कह के कि नहीं उन्होंने सरकार से नाराज होके बाहर चले गए, लेकिन बाद में जब उनका स्टेटमेंट आता है वो अपने निजी कारणों से वो अपने शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहते थे, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो बात क्लियर हो जाती है। अब इन दोनों की अभी बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है इस सरकार में कुछ हुआ है नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, ट्रांसपेरेंसी की जहाँ बात आती है, वो जो करप्ट अधिकारी थे जो सबसे ज़्यादा लिप्त थे उनके लिए इस सरकार में काम करना बड़ा मुश्किल हुआ है। जैसे वो अब जिस तरीके से अब ये दो लोग हैं इनकी कार्यशैली पर हम सवाल नहीं उठा रहे, पॉलिटिकल गेम है, इनके पीछे कोई पुश कर रहा है। सवाल इनके कार्यशैली पे हो सकता है, इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो, भाई कंपनियों में या कहीं पे भी लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो लोग छोड़ के जाते हैं, बहाना कुछ और लगा देते हैं। मैं वही क्लियर कर रहा हूं, काबिलियत का है यहां पर। आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं अब अकरम कादरी बताएंगे, फिर उसके बाद हमारे साथ जयप्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से, मैं उम्मीद करूंगा फिर बीच में कोई नहीं बोलेगा। अकरम कादरी साहब इत्तेफाक रखते हैं जो रमेश ठाकुर बोल रहे हैं, देखिए ट्रांसफरी का आलम तो यह है कि कांग्रेस की और इनकी कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीर के अंदर अभी एक सरकार बनने वाली थी, रातों रात उस वहां की भंग कर दी गई विधानसभा। आप कहीं भी उठा के कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी संवैधानिक नहीं हो रहा देश के अंदर। उर्जित पटेल की तनातनी चल रही थी कि हमको जो रिजर्व बैंक का जो वो खजाना है जो बुरे वक्त के लिए हमने बचा के रखा वो दो, हमें वो नहीं दे रही थी। इस तनातनी पे वो एक आखिर कब तक वो एक इतनी ताकतवर इंसान से लड़ सकते हैं वो, और उन्होंने निजी कारण बताया लास्ट में आके, और तमाम लोग समझदार लोग ज़्यादातर यही बताते हैं हर आदमी सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकता, अशफाक उल्ला खान नहीं हो सकता जो टकराने की जरूरत करेगा, और जो टकराए गुजरात के अंदर जिन्होंने नैतिकता की बात करी वो आज जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी कोई बात रखने वाला नहीं है, ये देश का हाल है। अगर इन्होंने इस्तीफा दिया है बिल्कुल सही, इन्होंने अपनी बात रखी और देश मीडिया दिखा रही है और समझ रहे हैं लोग, लेकिन इसको अब उन्होंने निजी कारण कहा क्या कहा वो अलग बात है, लेकिन सरकार का हाल ये है। तो मीडिया वालों को आप कह रहे हैं कि भैया दिखा रहे हैं और उनका भी जिक्र कर लेते नहीं, तो अगर मीडिया अच्छा काम करती है तो हम ऐसे नहीं मीडिया को सलाम करते हैं। आज हमारे अध्यक्ष जी ने ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर कहा मीडिया पे बड़ा दबाव है, लेकिन हम उसके साथ हैं। फिर सर 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 कभी मीडिया ने दबाव में तब भी काम नहीं किया जब अमेरिका नहीं, में लोगों मीडिया को तो दबाव में बहुत काम करती है, आप कहिए वो अलग बात है, लेकिन मीडिया बहुत दबाव में है। प्लीज सर मतलब आज तक बड़े बड़े पत्रकार प्रसून वाजपेयी जैसे घर बैठे हुए हैं, नहीं ये हाल नहीं था प्रसून वाजपेयी घर बैठे हुए हैं, पत्रकार को लेकर डिस्कशन अभिसार शर्मा घर बैठे हुए हैं, आपको बतौर एक्सपर्ट बुला लूंगा मैं उस दिन। प्लीज सर प्लीज उनका भी जिक्र कर लेते जो जेएनयू में नारे लगा रहे थे। खैर जयप्रकाश पांडे जी सर, देश जानना चाह रहा है बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं? जी जी दोबारा सवाल बोलाऊं दोहराऊं सर? जी तिलक जी सर देश जान हो रहा है। हाँ सर वो दिक्कत आती है मेरे कार्यक्रम में सुनने में कई बार सवालों को लेकर, मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, देश जानना चाह रहा है कि बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं? जी हाँ छोटा सा सवाल है, बेरोजगारी के आंकड़े भारत में कई सरकारी संस्थान है संवैधानिक नहीं, एक तो ये सीएसओ ही है, ये संवैधानिक संस्थान नहीं है, सरकारी संगठन है, और इस पे इस तरह की चर्चा का कोई मतलब भी नहीं है कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के तो हजारों कर्मचारी रोज जाते हैं ट्रांसफर होते हैं, इनपे कोई महाभियोग की जरूरत नहीं है। तो हाँ ये जरूर है कि ये अगर ये बता के जा रहे हैं कि उनपे दबाव था उन्होंने गलत आंकड़े दिए हैं या कुछ है तो समझ में आता है, कारण कुछ दिया नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़े तिलक जी भारत में देश में कितने बेरोजगार हैं, मैंने सिंपल सवाल पूछा आपसे, आप मुझे आंकड़ा दीजिए ना, कौन क्यों छोड़ गया बात खत्म करिए, वो किस वजह से छोड़ गया किस वजह से इस्तीफा दिया मैं उस पर जाइएगा, आप मुझे बताइए देश में कितने बेरोजगार हैं।
मैं आंकड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे, बस जो आप बोलेंगे मैं मान जाऊंगा। आप कहेंगे दो दो चार पांच छह, कितने? सुनिए, भारत में रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि सेक्टर है, फिर असंगठित सेक्शन है, उनका कोई आंकड़ा नहीं होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संगठित सेक्शन से भारत का रोजगार नहीं चल रहा है। पहली बात तो आप एक क्लियर कर लीजिए। आपसे पूछा कितने बेरोजगार लोग हैं हमारे देश में, मैं आपसे सेक्टर नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने बेरोजगार है हमारे देश में, वो आंकड़ा जानना चाह रहा हूँ। नहीं तो आंकड़े में क्या प्रॉब्लम आ गई है? तो सर वही तो पूछ रहा हूं, हम भी जानते हैं, वो पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एनएससी सर बता दीजिए ना, एनएससी तो बता नहीं पाया, आपके पास कौन सा आंकड़ा बताइए? डिबेट है, आप बताइए ना, एनएससी आंकड़ा तो बता नहीं पाया, आपके पास क्या आंकड़ा है? नहीं नहीं, इस आप हमसे आंकड़े जान के क्या करेंगे? अच्छा, आप अगर ये आंकड़े बहुत बढ़िया, उसी से तो पता चलेगा आप लोगों ने कितना रोजगार दिया चार सालों में जो आपने वादे करे थे। 2 करोड़ रोजगार देंगे तो कहां से कौन सी थ्योरी है मेरे को बताइए, जहां से आपको पता चलता है कि आपने लोगों को रोजगार दिया? मैं आपसे वो सिंपल थ्योरी जानना चाह रहा हूं, अगर एनएससी से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूं कैसे रोजगार मिलता है। अरे आप देखिए रोजगार की थ्योरी देंगे, चूंकि हमारे कांग्रेस के अलावा अर्थशास्त्री मित्र भी बैठे हैं, सुनिए मैं बता रहा हूं, अरे सुनेंगे कि आप पूछते ही रहेंगे तो बात ही अलग है। पूरे विश्व में 1990 के बाद भारत में भी आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि रोजगार का सृजन प्राइवेट सेक्शन से हो रहा है, सार्वजनिक उद्यम हमारे लाभ के नहीं है। महाराज मैं मान गया, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया। जयप्रकाश पांडे जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आपने 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, मेरे को ये तो बताइए देश में बचे कितने बेरोजगार हैं, ये बताइए। सांघिकी आयोग को प्राइवेट संस्था बता रहे हैं, और सांघिकी आयोग प्राइवेट संस्था है, कोई मतलब नहीं, वो प्राइवेट संस्था है। सर आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन से मोहल्ले में किस घर में कितने बीजेपी के वोट है, कितने कांग्रेस के, तो आपका प्रमुख बता देगा कि क्या एज है क्या नहीं। और ये चीजें जो काम की है वो आप बोल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। और सांघिकी आयोग क्या क्या प्राइवेट संस्था है सर वो? जयप्रकाश पांडे जी, वो चुनावी भाषणों में अच्छा लगता है, किसी चैनल के डिबेट में अच्छा तो नहीं लगता। एक सेकंड प्लीज, जो जनता देख ले क्या कहना चाह रहे, बताइए सर जी। सर बोलिए जी, अगर हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है तो फिर से रिपीट कर दूं। हाँ बोलिए सर बोलिए। मैंने तो कहा है, अगर हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि इतने विद्वान बैठे, संवैधानिक और सरकारी संस्था में अंतर नहीं मालूम है। अच्छा ठीक है, आपको मालूम है ना? आप बताइए तिलक जी, वो संवैधानिक संस्था है क्या? सर आप बताइए ना, आपको मालूम है ना, मेरे को नहीं मालूम, आप बताइए सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, देश आपसे जानना चाह रहा है, वो संवैधानिक नहीं है सर, सरकारी के चक्कर में SC इसका क्या काम है, मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ, और बेरोजगारी के देश के आंकड़े क्या, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, दैट्स इट बस। और इसका गठन किस उद्देश्य के लिए हुआ था ये पूछ लो। देखिए CSO का गठन ही इसीलिए हुआ था, देश के सांख्यिकी आंकड़े जो भी हैं आर्थिक, वो उनको कलेक्ट करेगा, वो देगा, सदन में प्रस्तुत होगा, क्या दिक्कत है इसमें सर? इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के आंकड़े इन्हीं से लिए जाते हैं, इसमें कोई समस्या है सर? आप मतलब डिबेट किस पे करा रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं का नाम जानना चाहते हैं, आंकड़ा जानना चाहते हैं। जयप्रकाश पांडे जी, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूं जी, ठीक है सर, उम्मीद करता हूं कि आप मुद्दे पर आएंगे ताकि मैं मुद्दे की बात कर पाऊं। एक ब्रेक ले रहे, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था। आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। कहते हैं रोजगार की बात करते हैं, कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो। वैसी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं। हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान मौजूद हैं। जयप्रकाश पांडे बीजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं, फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, नोएडा से एके मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्र हैं, साथ साथ अकरम कादी हमारे साथ कांग्रेस की ओर से, रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले एके मिश्रा जी, ये समझाइए कि सरकार ने रोजगार दिया तो फिर आंकड़े छिपाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, कि जैसे कि पांडे जी ने ब्रेक से पहले समझाने की हमें कोशिश की थी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। नहीं देखिए, सरकार ने एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी पार्टियों के लिए अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, चुनावी दौर में या बीच बीच में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कस्मे वादे बहुत बड़े बड़े कर देते हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको इस चैनल पे कई जगह मैंने बोला है कि रोजगार डेवलप करना और भारत में सबको रोजगार देना या एक अच्छे परसेंटेज तक रोजगार देना बड़ा लॉन्ग टर्म गेम है। भाई मैं बोलता हूं, अगर बेरोजगारी की बात करनी है तो किसी पार्टी की बात मत करिए। 70 साल से, यानी जब से पहली सरकार बनी है तब से तो बेरोजगारी है ना, तो क्यों नहीं 70 साल में दूर हुई? तो ये इतना आसान मुद्दा नहीं है। आपके सवाल का जवाब ये है कि सरकार क्यों बेरोजगारी का जो है आंकड़ा वो छुपाना चाहती है। डेफिनेटली इसमें माना जा सकता है, ये बोला जा सकता है कि सरकार के कुछ डिसीजन ऐसे रहे हैं जिसके कारण उतना रिजल्ट यील्ड नहीं हो पाया जो गवर्नमेंट ने या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला था। अच्छा, आप एक चीज और समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, भारत जैसे देश में मैं फिर बोलता हूं कि 100% रोजगार देना या हर हाथ में काम देना। अब बोलने को तो यह भी बोला जा सकता है, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था हर घर के सामने CCTV लगा दूंगा, अभी राहुल गांधी जी ने बोला कि हमारी सरकार 2019 में बनेगी तो हर बेरोजगार आदमी को मैं एक मिनिमम जो है मंथली वो भत्ता दूंगा ताकि वो आराम से रहे। सवाल होता है जब आप इंप्लीमेंट करने जाते हो ना, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, उतना नहीं हो पाया, कम हो पाया, कुछ उनके डिसीजंस ऐसे थे। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सरकार उस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहती है। मैं नहीं बोलूंगा कि छुपाना चाहती है, क्योंकि डाटा तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं छुपा। देखिए डाटा के सोर्स क्या क्या है, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट छुपा लेगी तो बहुत सारी मीडिया संस्थान है, बहुत सारे फॉरेन कादरी समझा देंगे जो कि डाटा निकाल के दे देते हैं। कैसे छिपा लेंगे जयप्रकाश पांडे डाटा? फॉरेन की कोई एजेंसी डाटा बता देती है? डाटा छुपाना चाह रहे, कैसे छिपा लेंगे आप लोगों के होते हुए? ये जितना छुपाने की कोशिश करेंगे उतना और ज्यादा उजागर होगा। राफेल पे छुपाना चाहा, वो अगर बता दिया होता तो बात ठंडी हो गई थी, उतनी ज्यादा भड़की। रही बात, हाल ये है देश का कि आज भारत का हाल ये है कि भुखमरी में देश बांग्लादेश और श्रीलंका से ही पिछड़ चुका है। साढ़े चार साल पहले कभी ऐसा ना हुआ कि दिल्ली जैसी राजधानी में भूख से तड़प तड़प के लोग मर जाएं। आज अगर राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि मिनिमम पे हम गरीबी रेखा से निचले लोगों को देंगे तो हम दे सकते हैं। हम वो हैं जिन्होंने 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश देंगे। सुन लीजिए, हम ऐसे देंगे, अभी हमने 2 दिन के अंदर वादे पूरे करे। हम उन लोगों को जिसको मोदी सरकार ने 45,000 करोड़ अडानी और अंबानी के 22,000 करोड़ माफ करे, हम उनके ना करके हम गरीब किसानों के माफ करेंगे, हम गरीब लोगों को 20,000 करोड़। मीटर पे बात अच्छा, करिए अगर 45,000 करोड़ एक आदमी को देकर फायदा दिया जा सकता है, 45,000 करोड़ में 80% लोग खुश हो सकते हैं। जैसे आपने गरीबी हटाई वैसी, जैसे आपने गरीबी हटाई तो इतने साल का भ्रष्टाचार क्यों नहीं हटाया इसी पार्टियों ने? भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2014 से पहले जो लोग बड़े गाल पीट रहे थे, कितने कांग्रेसियों को जेल के अंदर डाला, किसको साबित करके दिखाया? कोई भ्रष्टाचार हमारे अंदर नहीं था। और आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इनके मंत्री गडकरी साहब कह रहे हैं कि झूठे वादे करने वाले और ज्यादा बोलने वाले अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जूतों से पिटेंगे। ये हालत है इस समय। गरीबी हटाई, गरीबों को हटाया, गरीबी हटाई और ईमानदारी से गरीबों के लिए काम करा, हमारी मेहनत से जितने परसेंट हटी, हमारे राज्य में गरीबी बढ़ी नहीं।
आज गरीबी बड़ी है, गरीबी का आलम यह है कि चिताएं जलाने को लकड़ियां मौजूद नहीं है लोगों को, पूरे करकट में डाल के लाते जला रहे हैं, ये मोदी सरकार की देन है। हसन साहब आपके पास आ रहा हूं, रोजगार देना और ये भाषण तक अच्छा लगता है और आपके मैनिफेस्टो में जब लिखते हो ना एक नंबर में या छह नंबर में वहां तक तो अच्छा लगता है। अरे भैया पहले ये तो हमें समझा दो, आजादी से लेके अब तक हुकूमत आप ही के तो पास रही है, छह साल पहले का एक पीरियड बीजेपी के पास रहा, पांच साल मान लो 11 साल रहा इनके पास, सारी हुकूमत सारी मशीनरी कांग्रेस के पास रही, आपने कौन सी भुखमरी हटाई, आपने कौन सी बेरोजगारी हटाई दूर करने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे लोग भूखे नहीं मरे, मनरेगा हम लेकर आए रमेश जी, और सब बहुत बड़ा फायदा हुआ, साढ़े चार साल में ही सारी भुखमरी जो है साढ़े चार साल में आई है, वो यही तो बता रहे हैं आपको। नहीं तो ये साढ़े चार साल की रिपोर्ट है कि 9% लोगों के पास 50% से ज्यादा संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, ऐसा पहले नहीं था। सर आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, अगर जीडीपी कितनी है इस वक्त बताइए सर, कितनी जीडीपी है, जीडीपी मनमोहन सरकार के वक्त, मनमोहन सरकार के टाइम में जो जीडीपी ऊपर ग्रोथ हो रहा था अब डाउन हुई है, और नोटबंदी और जीएसटी के बाद पूछ रहा हूं ना सर, आप मेरे को जीडीपी बताइए, जीडीपी के देखिए इसके आंकड़े रोज गिरते हैं, मैं बड़े अपने एजुकेशन का यहां पे वो नहीं करूंगा, बहुत बड़ा कोई बात नहीं सर, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा, जीडीपी हार्ड ये है ना, जीडीपी कितनी है मैं उस हिसाब से पूछ लूंगा, जयप्रकाश पांडे जी से पूछ लूंगा, जैसे उन्होंने जयप्रकाश पांडे जी से जरा यही बता दो कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद सर मैं बेरोजगारी कितने परसेंट बढ़ी है, पूछ लूंगा, मेरे को जो हाल ये है कि सरकारी हॉस्पिटलों में अब आपने डिलीवरी के टाइम डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वहां पे डॉक्टरों की शॉर्ट है और ये लोग भर्ती करने को तैयार, चुनावी नारा देंगे, नहीं हकीकत है ये, मैं आपसे टीचर लोग चीख चीख के कह रहे हैं हमें बहाल करो, टीचरों की शॉर्ट है और ये टीचर भरने को तैयार नहीं है, रेलवे में कर्मचारी कम है ये भरने को तैयार नहीं है, रोजगार तो कई करोड़ लोगों को मिल सकता है लेकिन ये तमाम संस्थाओं को प्राइवेट कर रहा है, प्रत्यारोप के अलावा कुछ और हकीकत जयप्रकाश पांडे जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तो उससे बेहतर है आप भी संघ की राय लीजिए, सुनो ओके ओके सर ओके ओके, एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं सर, बैठे हुए एक्सपर्ट, आप जैसे एक्सपर्ट भी हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबकी राय ले रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अक्रम कादरी बता रहे देश की जीडीपी, आप ही बता दीजिए सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो देश का हाल ये बता सर, देश का हाल ही तो पूछ, वो भी मैं बता दूंगा, बेरोजगारी में फिर बांग्लादेश और श्रीलंका से बुरी कंडीशन में, और हाल ये है ये सरकार मियांवर में जाके घर बना रही है सर, बता ये हाल है कि श्रीलंका में घर बना रही है, बेरोजगारी दर पे चर्चा कर लेंगे फिर, अरे यार बिना जानकारी क्यों, बिना जानकारी में हकीकत है ये, मियांवर के अंदर कई हजार घर बना के दिए और यहाँ लोग हाल ये है कि चिताएं जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रही, बात करेंगे ना, जयप्रकाश पांडे जी अगर आप आंकड़ों पर चर्चा करना चाहते हैं आपके पास आ जाता हूं, खाद्यान्न भंडार आप करेंगे आंकड़ों पर चर्चा, एक सेकंड सर प्लीज, अकरम कादरी बता रहे हैं ना जीडीपी कितनी है, बताइए सर बताइए, आप मुझसे क्या बोल रहे हैं, मुझसे ज्यादा साफ सुथरा तो आदमी नहीं हो सकता, मुझे ऑन टाइम रिकॉर्ड पता नहीं है, आप बेरोजगारी बेरोजगारी का आईना ये बता रहा है कि मनावली दहली के अंदर भूख से तड़प कर मर रहे हैं, अरे भैया झारखंड में चले जाओ, झारखंड में बच्ची बात बात मान के मर जाती है, एक स्टेट की बात थोड़ी हर स्टेट की बात है, अकरम कादरी सुनो, अकरम कादरी हमारे देश की जीडीपी 5 साल में 7.3% बिना रोजगार के होगी, डाउनफॉल हुआ, ओके 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 ओके, कादरी साहब ये आंकड़े नहीं है, जीडीपी वगैरह का आंकड़ा केवल भारत सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनाती है, बहुत सारे देखिए मैं बताऊं, एजेंसियां वगैरह, मैं आपको फिर आप बता देता हूं, केवल गवर्नमेंट के जो आयोग है डाटा के लिए केवल वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो डाटा कुछ और देते हैं, मीडिया वालों का सर्वे होता है, प्राइवेट कंपनियों का सर्वे होता है, इंटरनेशनल फर्म्स है उनका सर्वे होता है, तो लगभग सब घूम फिर करके डाटा कहीं ना कहीं से निकल आता है। रही बात जो आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, देखिए जीडीपी में ग्रोथ होना सॉरी डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है, और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब हम चाइना को कॉम्पीट कर रहे हैं, आज हमारी जो जीडीपी का ग्रोथ है 7.3 से 7.5 तक का जो प्रिडिक्शंस किया जा रहा है, वो भी इंटर गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट या भारत सरकार वगैरह कोई नहीं, ये सब बाहर के जो कंट्रीज हैं वहां के जो इकोनॉमी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो फर्म्स हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी ये प्रिडिक्शंस है, फोर्ब्स वगैरह फोर्ब्स मैगजीन वगैरह आती है, तो 7.5% की जीडीपी को अगर मेंटेन किया जाए
ये सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। पहली चीज, जीडीपी को ग्रो करने में ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज के कारण ही जीडीपी ग्रो कर जाए, पूरी जीडीपी निकाली जाती है। सिंपल सा इसका फार्मूला है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी हर सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन कम या ज्यादा हो सकता है। हो सकता है निर्यात बहुत ज्यादा हो गया हो तो उससे फर्क ज्यादा पड़ गया हो, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो गया हो। किसी भी गवर्नमेंट में अगर जीडीपी ग्रो करती है तो ये बताती है कि फाइनेंशियल हेल्थ कंट्री की या एक पर्टिकुलर स्टेट की जो है वो ग्रो कर रही है, वो अच्छी है। ठीक है, 7+ का जो जीडीपी ग्रोथ होता है डेवलपिंग कर, मैं आपको बताऊं जो क्या ये रोजगार का सबूत नहीं है चांद हसन साहब, या आपकी कोई और थ्योरी है तो वो भी समझाइए हमें। आ रहा हूं क्रम कांत जी आपके पास, मंडावली मत रहिएगा सर आप भी। चावला जी, ये जो जीडीपी की बात हो रही है, ये सरकार ने जो नहीं जीडीपी की जो भी बात हो रही है उसकी ग्रोथ की जो बात हो रही है 7.2 और 7.4 उसकी जो बात हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकार ने इनके साथ भी खेल किया। सर, इंटरनेशनल एजेंसीज के आंकड़े हैं, सरकार का हस्तक्षेप थोड़ी होता है इसमें, और एजेंसियां क्या करेंगी इसमें, किसी को तो छोड़ो कम से कम। देखिए ये भारत की आर्थिक सेहत की, मैंने तभी अक्रम कादरी से पूछा था मनमोहन सरकार ने कितना था, आप उसको भी चुनौती दे रहे हैं, वो फर्जी था जीडीपी, वो जीडीपी का आंकड़ा फर्जी था मनमोहन सरकार में, आप ये कह रहे हैं चांद हसन साहब। देखिए चावला प्रकाश पांडे जी अर्थशास्त्र समझा रहे हैं, फिर रमेश ठाकुर जी आपके पास, ओके ओके चांद हसन साहब, प्लीज प्लीज सर, अभी देश की गरीबी की बात कर रहे थे सर, चावला जी अभी देश की गरीबी की बात कर रहे थे आप, देश में आपने 70 साल की बात की कांग्रेस की, मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल और 6 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की गई रही, आज देश की सबसे अमीर पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सर, अगर देश सर, में कोई सबसे अमीर सर, सर 600% का ग्रोथ हुआ है आपके पार्टी के फंड में भी सर, आपकी पार्टी का फंड मालूम है आपको, वेल्थ ग्रोथ हुई है समाजवादी पार्टी की सर, चर्चा कर रहे हैं सर, विकास कहाँ हुआ है वो सब दिखता है, एक सेकंड वही तो बोल रहा हूँ कि आप सर पार्टीवादी छोड़ दीजिए, एक सेकंड जयप्रकाश पांडे जी, ओके हो गया सर, प्लीज प्लीज चांद हसन साहब सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप लोग आरोप प्रत्यारोप पे जा रहे हैं, मैं आंकड़ों पर लेकर आ रहा हूँ बार बार, जयप्रकाश पांडे जी जो आपका अर्थ, एक बार मेरी सुन लीजिए सर, आप भी सुनाइए, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ आपका अर्थ, बोलना ही नहीं रहता सर, सुन लीजिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पे मैं आज तक नहीं सुना कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आर्थिक आंकड़े जो सदन में प्रस्तुत किए गए इकोनॉमिक सर्वे के थे या दावोस में एक्सपर्ट ने किया, ये गलत है, सदन में ये सदन में झूठ बोलने का रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, ये जानिए सदन में झूठ बोलने का रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है सदन में झूठ बोलना, ये झूठी सरकार है, ये झूठी सरकार है, सरकार इनके 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 आंकड़े झूठे, ये सरकार झूठी, ये अच्छा हो गया एक सेकंड प्लीज चांद हसन साहब, एक सेकंड जयप्रकाश पांडे जी, सिर्फ जयप्रकाश पांडे जी को विंडो में लीजिए, ओके सर, अर्थशास्त्र समझाइए, अब आप सब बातें करेंगे, अर्थशास्त्र समझाइए, आपने एनएससी की जो अभी थ्योरी बताई वो गजब की थ्योरी थी, उसके लिए आई सैल्यूट यू, आप मुझे सीधा बताइए 2015-16 के आंकड़े अब तक क्यों नहीं जारी हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो का आंकड़ा आपके पास है, क्यों नहीं जारी हुए सर डेटा? नहीं, आंकड़े क्यों नहीं जारी हुए, आंकड़े पे कोई रोक सरकार ने लगाई हो वो स्वायत्त संस्थाएं हैं सर, जारी तो आपको करने हैं सर, प्रोसेसिंग में आएंगे उसको कौन रोक लेगा सर, जारी आपको करने हैं, लोकतंत्र से चलता है, वो सब प्रस्तुत होंगे ही होंगे सदन में, हाँ भारत सरकार अगर रोक लगाई हो तो बताइए सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिरकार जारी क्यों नहीं हुए, इसका क्या मतलब होता है, अब न्यायालय निर्णय क्यों नहीं कर रहा उसका जवाब हमसे ले पूछेगा सर, डेटा जारी नहीं होगा तो आप ही से पूछेंगे ना, सरकार आपकी है कि अक्रम कादरी से पूछूं, नहीं तो स्वायत्त संस्थाएं उन्हें हम बाध्य कर सकते हैं सर, एनएससी कौन सी संस्था है, आयोग है सर, वो आयोग, आयोग काम क्या करता है उसका, आयोग है तो उसके कार्य करने की पद्धति है, आंकड़े जरूर आएंगे देर सवेर, आंकड़ों में कोई
सर मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ ना, 2015-16 से आंकड़े अब तक क्यों नहीं आए? महाशक्ति बन रहे तो हमें छिपाना क्या है तिलक जी, क्या छिपाना है हमें बताइए? रमेश ठाकुर जी एक तो कह रहे हैं कि भैया हमने विकास किया, हम छिपाएंगे तो छिपाएंगे क्या, बताइए सर। नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि अभी पांडे जी आज होमवर्क कम करके आए, मुझे लग रहा है होमवर्क की इनको जरूरत है। संस्थान को आयोग बोल रहे हैं, आयोग को संस्थान बोल रहे हैं, पहले जब इनको यही नहीं पता है आयोग का काम क्या होता है, संस्था का काम क्या होगा, फिर किसी पैनल के साथ में मिश्रा जी जैसे इकोनॉमिस्ट के सामने फेस करना मुझे लग रहा है इनके बस की बात नहीं है। सबसे पहले चावला जी ने ये सवाल पूछा था, जो GDP पहले थी वो अब थी, उसको तुलनात्मक चीजों को पूछा था। अब जो आज का जो अच्छा, मुद्दा है वो सिर्फ थोड़ा ज्ञान वर्धन हो जाए तो पत्रकार है, बस दिक्कत यही तो है ना, यही तो है ना, सीखना नहीं चाहते हो ना, जब मैं कह रहा हूँ सीख लो थोड़ा सा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना, छोटा होता है बड़ा होता, सीखो ना आप उस चीज को लेकर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आप देश के नीति नियंता हो सर, आपको सब लोगों से ज्यादा होशियार होना चाहिए। जयप्रकाश पांडे जी पकड़ों में फंस गई सरकार, अब आरोप प्रत्यारोप कर लेते हैं, चलिए आरोप प्रत्यारोप करिए। आप वित्त आयोग के अलावा कोई आर्थिक संस्था संवैधानिक नहीं है सर, सर 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 पकड़ों पे फंस गई सरकार, जयप्रकाश पांडे जी, जी मैंने कहा पकौड़ों पर फंसी सरकार। हाँ हाँ ये तो मैं सोच रहा था कि आप हमसे पूछ लीजिए एक बार, आपको शायद ये नहीं मालूम है कि हमारे देश में जो भी लोक कर्म है, राजा जनक हल चलाते थे, कबीर जुड़ाए थे, पकौड़े तलने पे हमें कहीं भी हीनता ग्रंथि नहीं थी, ये बाबू संस्कृति तथा कथित सामंती लोगों की और अंग्रेजियत। आपने इतना विकास किया वही तो मैं पूछ रहा हूँ पांडे जी, आंकड़े क्यों छिपा रहे हैं, फिर वही तो बात उठ रही है, विकास तो सामने है, विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था क्या है, जयप्रकाश पांडे ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। ठीक है ठीक है, आप ये कह रहे हैं आंकड़े छिपा रहे हैं, महंगाई दर कितनी है इस वक्त अक्रम कादरी, महंगाई दर कितनी है अक्रम कादरी जी? पहले तो मैं 7.5% की जो इनकी ग्रोथ दर है उसी पे बात कर लेता हूँ। ये इतनी झूठी सरकार है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को पैसा दे दे के कहा कि ये बोलना पीएम मोदी से ऑनलाइन, आप लोग सब पे चर्चा करेंगे? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं ये आप लोगों की ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ, आंकड़ों की सच्चाई पे भी आप सुन लीजिए, नहीं करनी पड़ेगी बताइए कैसे GDP को मैनिपुलेट कर दिया जो है पैसा दिलवा के बीजेपी ने, GDP को इस तरह से कर दिया कि 9% लोगों के पास सारा खजाना उनका भी योगदान है GDP के अंदर। सर GDP का कॉन्सेप्ट समझ लो आप, बिल्कुल बताइए जो 9% लोगों ने तमाम पैसा छुपा के अपने पास रखा है। सर हिंदी में, हिंदी में सीधे सीधे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद और GDP 400-600 लोगों ने बोल दिया तो उससे क्या 7.5% GDP से 2010 से बिल्कुल तंबू में बंबू है। ओके ओके अक्रम कादरी, अक्रम कादरी ये महंगाई दर कितनी है इस पर तो पीठ थपथपा दीजिए कम से कम। महंगाई दर का भी हालात ये है कि जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो आज 800 रुपए का भी सस्ता हो रहा है, कल 400 रुपए में महंगा था, जो पेट्रोल जो है पेट्रोल जो है वर्ल्ड लेवल में पहले 130 रुपए डॉलर बता देना, 52 और 53 रुपए लीटर डीजल बेचा था, लेकिन सस्ता होने के बाद मित्र 100 रुपए तक पहुंचा देते, वो तो 3 राज्यों में हरा दिया गया बुरी तरह। महंगाई दर कितनी है सर प्लीज, महंगाई दर कितनी है? ओके हो गया पांडे जी हो गया, प्लीज देश के नक्शे पे जो नजर आ रहा है ना उसको देखिए, आंकड़े तो तुम्हारे झूठे हैं इसीलिए चलिए रिजाइन दे देके भाग रहे हैं लोग। तो फिर आंकड़े झूठे हैं तो फिर आप क्यों यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस बात की? चर्चा तो करेंगे ना, देश की जनता का जो क्यों कह रहे हैं कि आंकड़े जारी करेंगे जब वो झूठे आंकड़े हैं? तो आंकड़ों का हाल तो ये है कि मध्य प्रदेश सही आंकड़े हैं, सही आंकड़े ये है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी दर क्या है ये तो है, सही आंकड़ा सही आंकड़े ये है कि कुछ भी काम नहीं है, यही तो किसान भूखा मर रहा है,
किसान जो है फांसी लगा लगा के मर रहा है। अगर हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं तो हंसी और मजाक कर रही है, लेकिन अगर एक करोड़ का 45,000 करोड़ आप नहीं बताएंगे, 22,000 करोड़ मेले के उद्योगपति पैसा भाग रहे हैं, कोई सवाल नहीं। अकरम कादरी हो गया, एक सेकंड देश के नक्शे पर जो राहुल गांधी पीठ थपथपा देंगे आपकी, कोई बात नहीं, दिखा दीजिएगा हो गया पांडे जी प्लीज हो गया। एक सेकंड हसन साहब, कम से कम आप तो बता दीजिए महंगाई दर को लेकर पीठ थपथपाएंगे सरकार की या फिर नहीं? जी चावला जी, देखिए महंगाई दर हो या बेरोजगारी की दर हो, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दों पे फेल है। महंगाई आज कहां पे है ये आप देखते हैं, महंगाई दर तो पूछ रहा हूं मैं, किधर से आप बता ही नहीं रहा कोई। ये बात करते हैं सिलेंडर जो 350 आप सिलेंडर पे अटक गए, महंगाई दर का मतलब सिलेंडर थोड़ी ना होता है। फिस्कल डिफिसिट इन्फ्लेशन बताइए, आपको मालूम है पांडे जी से कम हो तो पांडे जी थोड़ी मालूम है आपको, आंकड़ा लेने आते आप बता दीजिए महंगाई दर कितनी है। आप बताइए ना महंगाई दर कितनी है, फिर आप पीठ थपथपा लीजिए, जानकारी है तो बता दीजिए, आप आंकड़े ले आइए। अगर 350 का सिलेंडर 1,000 का नहीं मिल रहा तो आप बता दीजिए क्या रसल साहब, फिर महंगाई दर मैं पूछ रहा हूँ ना, आप बता दीजिए या फिर जयप्रकाश पांडे जी बताएंगे अभी महंगाई दर, जाइए गूगल देवता की शरण में। चैप्टर क्लोज। नहीं नहीं चावला जी, गूगल की उसके शरण में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, इकोनॉमिक्स नहीं था, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे इनके ज्ञान की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन ये मुझसे ठीक है। जयप्रकाश पांडे जी बता देंगे महंगाई दर, आप साबित करिए सर बेरोजगारी के मुद्दे पर। मैंने बताया GDP 7.3 और 7.5 आगे बेरोजगारी दर के इधर आपने ठीक है मैं मान गया आपने रोजगार दिया, ओके डिजिट में चला गया था। फिजिकल डिफिसिट भी 5 थी, इस समय हम 3.3 पे हैं और 4.5 से नीचे है, और ये देश की पिछले 3 दशकों में ठीक है सबसे कम महंगाई है। अकरम कादरी जल्दी जवाब दीजिए, फिर जो आपने मुद्दा उठाया उस पर मैं चर्चा करूंगा, 2 मिनट जल्दी से। किस चीज का जवाब? वो कह रहे हैं कि महंगाई दर अब तो पीठ थपथपाइए 3% है। महंगाई दर पे इनकी पीठ तो थपथपा दो, लेकिन हाल क्या है महंगाई का, पेट्रोल और डीजल कहां पहुंचाए थे? अगर मध्य प्रदेश में तुम ना हारे होते तो 100 रुपए लीटर बेचते और बड़े कड़क फैसले तुम लेते। जरा ये वाला बयान सुना दीजिए, जैसे जल्दी से राहुल गांधी जी का ये वाला बयान सुनाइए, जल्दी से सुनाइए बयान। अब हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं उठाया हुआ, और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। अब मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा रमेश ठाकुर जी, मैं आपसे यह सवाल जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आरोप प्रत्यारोप पे कहानी रुक जाएगी। बेरोजगारी के आंकड़े हासिल करने वाली रिपोर्ट की हालत यह है, तो बेरोजगारों को भत्ता देने वाला डाटा पर विश्वास कैसे किया जाएगा? सवाल बिल्कुल ठोक बजाकर है। बिल्कुल सही बात है, बड़े बाजी सवाल आपने पूछे लेकिन जवाब किसी ने नहीं दे पाए। महंगाई दर किसी ने नहीं बताई, महंगाई दर क्या है, GDP की जो असल जो तस्वीर है वो किसी ने नहीं बताई। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो सीधे रेलिवेंट करते हैं दो सेक्टरों से, एक इंडस्ट्रियल से और दूसरा कृषि से। दोनों की अगर दर आप देखो तो कृषि की जो 17.4 थी कुछ साल भर पहले, वो गिर के काफ़ी नीचे आ गई है। इंडस्ट्रियल का आंकड़ा जो देखिएगा वो भी गिर के बहुत नीचे आ गया। तो ये भी लॉलीपॉप है, तो इस लिहाज से नहीं, इसको ये लोग नहीं नकार सकते हैं, ये लॉलीपॉप नहीं है, ये यथावत स्थिति है, इसको नकार नहीं सकते हैं। इन दोनों आंकड़ों और दोनों सेक्टरों से जुड़ के आपका GDP का जो खाका है वो ऊपर आता है, महंगाई दर बहुत तय होती है। लेकिन इस समय जो मेन मुद्दा जिस पे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि ये जो आंकड़ेबाजी जो हो रही है और जो इतने महत्वपूर्ण आयोग से 2 लोगों का रिजाइन हुआ है उस पे हम लोगों को डिस्कशन करना था। इस पे ना BJP की तरफ से हमें कोई वाजिब एक जवाब मिल पाया, ना किसी पार्टियों की तरफ से। इस पे इस मुद्दे को लेके बहुत मनन मंथन की जरूरत है। ये कौन सा मंथन करके जो है राहुल गांधी जी ने कौन सी
मिसाइल छोड़ी है चुनावी? जी कोई चुनावी मिसाल नहीं है। दरअसल राहुल गांधी जी देश की जनता का, गरीबों का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गरीबों का हाल ये है अच्छा। कि भूखे मर रहे हैं, 80% से ज्यादा लोगों को खाने के लिए मोहताजी है अच्छा, अगर अच्छा। ये कहा है तो बहुत अच्छा कदम है ये, और कांग्रेस ने अगर कहा है तो वादा पूरा करेगी। ये झूठों की सरकार नहीं है, ये झूठे लोग नहीं है जिन्होंने झूठे वादे कर करके और पूरे नहीं करे। हम बिल्कुल पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर हमने वादा किए थे वो हमने पूरे करे। जल्दी से एक मिश्रा, ठीक है, फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी से। देखिए चावला जी, मैं आपको बोलूं, डेफिनेटली हर सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी हो अपनी कमियों को छुपाना चाहती है। अगर बीजेपी इस चीज को सत्य मान लिया जाए कि बीजेपी डाटा छुपा रही है तो डेफिनेटली उस फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं हुई होगी। पूरा देश एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना कि इतने आसानी से कोई चीज ग्रो नहीं करती है। सिर्फ यस और नो बोलिएगा। पांडे जी मेरे पास समय खत्म हो गया, मैं उधार लेकर चल रहा हूं समय। ये बताइए बेरोजगारी 2019 में मुद्दा होगा, यस और नो? देखिए तिलक जी, निश्चित रूप से देश पहली बार कड़े आर्थिक फैसले लिया है। आप नहीं बताएंगे मुझे मालूम है। चलिए हमने, चलिए सर वक्त ऊपर ले लिया मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एनएससी की थ्योरी बताने के लिए भी पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुद्दे की बात में मेरे साथ इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया वाइज पर जारी रहेगा। मुझे दीदी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।